जवानी की उम्र से ही शुरू हो जाने वाली एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और वो है क्या? वो है शरीर में दबी हुई नसें। नसों में होने वाला दर्द, बॉडी में जगह जगह होने वाला दर्द, है ना? आखिर ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? हमारे लाइफस्टाइल में एक चीज जो आ गई है, कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे बैठे काम करना, क्योंकि आजकल किसी की फिजिकल एक्टिविटी कोई होती ही नहीं है। इसकी वजह से शरीर की नसों में दर्द और बॉडी में वायु रुकने लग जाती है। नस दबने से बॉडी के जोड़ों में वायु रुकी रहने से बॉडी के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उठने बैठने में तकलीफ होने लगती है, कमर दर्द और घुटनों में दर्द रहने लगता है। जब कोई नस दब जाती है तो उस नस के ऊपर जरूर से ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो नस सिकुड़ जाती है, और ये अच्छी बात नहीं है। आगे चलकर नस दबने से वो जगह डैमेज भी हो जाती है और लकवे जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, वो बॉडी पार्ट काम करना ही बंद कर देता है। इसलिए नस दबने की समस्या को लाइटली नहीं लेना चाहिए और अनदेखा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब इस समस्या में करे तो करे क्या, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक उपाय जो दबी हुई नसों को, आपकी नसों की कमजोरी को पूरे तरीके से ठीक कर देगी, और इसके साथ ही डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम, इन सब में ही आपको बहुत बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो अभी उपाय है क्या, वो जानते हैं। पर उससे पहले, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। यहां हम सीखते हैं कैसे आयुर्वेद की हेल्प से और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दे, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमें कमेंट करना भूलना नहीं। आज इस वीडियो में छोटी छोटी चीजों को यूज करके ऐसा नुस्खा बनाना बताऊंगी जो जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, थकान को, कमजोरी को और बंद नसों की ब्लॉकेज को खोलने का बिल्कुल रामबाण नुस्खा है। जो आपको नुस्खा बताने वाली हूं वो बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है जो पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी किसी भी तरह का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं तीन नुस्खे बताने वाली हूं, तीनों ही बहुत असरदार और बहुत आसान है। आप अपनी सुविधा के अनुसार तीनों में से कोई भी नुस्खा ट्राई कर सकते हो। पहले नुस्खे के लिए जो चीज हम लेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाना के इतने फायदे हैं कि बताए नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बता रखे हैं। ये मेथी दाना कब्ज, पेट की गैस, बवासीर की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है उनको खोल देता है, बॉडी में अगर वायु बढ़ गई है तो ये उसे भी बैलेंस कर देता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये अमृत है, शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को खत्म कर देता है। मेथी दाना एक ऐसी अद्भुत चीज है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ये ब्लड प्रेशर को ठीक कर देता है, दिमाग को भी हेल्दी रखता है। जिसको भी नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत ही कमाल काम करता है। इसका मतलब ये है कि मेथी दाना आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब आपको बताती हूं कि मेथी दाना इस्तेमाल कैसे करना है। जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए आपको मेथी दाना को भिगो के काम में लेना है। इसके लिए आप रात के समय 4 छोटी चम्मच मेथी दाना 1 ग्लास पानी में डालकर भिगो दीजिए। पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही लेना है। मेथी दाने को भिगोने से पहले आप उसको साफ कर लेना, देख लेना उसमें कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ वैसा ना हो, एक बार पानी से भी अच्छे से धो लेना ताकि उसमें से कोई भी धूल मिट्टी या कई बार है ना कोई उस पर रंग चढ़ा होता है तो वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा। उसके बाद जब आपने इसको पानी में भिगो दिया तो सुबह इस पानी को छान लीजिए। रात भर पानी में मेथी दाना भीगने के कारण पानी का रंग थोड़ा पीला सा हो जाएगा,
यानी जब ये नॉर्मल पानी से दवाई वाला पानी बन चुकेगा, जो अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर देता है। इस पानी को आपको ऐसे ही नहीं पीना है, इस पानी को थोड़ा सा गर्म कीजिए। जब पानी पीने लायक हल्का गर्म हो जाए तब आपको इस पानी को पीना है। इस तरह मेथी दाने वाला ये जो पानी है इसको रोज सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीते ही बॉडी में जो जोड़ों में, मांसपेशियों में या टिश्यूज में जो सूजन होती है वो तुरंत ही ठीक होने लगती है। मेथी दाना पानी पीने से नसों में भी जो ब्लॉकेज होती है वो दूर हो जाती है। एक हफ्ते में ही आपको अर्थराइटिस के दर्द में भी बहुत आराम मिल जाता है। रोज लगातार लंबे समय तक इसे पीने से अर्थराइटिस की दवाई छूट जाती है। जो भीगा हुआ मेथी दाना हमने छान कर निकाला है उसे फेंकना नहीं है, बल्कि उसे अंकुरित कर लीजिए। जैसे हम मोठ को अंकुरित करते हैं उसी तरह मेथी दाना को भी अंकुरित कर लीजिए। इस अंकुरित मेथी दाना को आप रोजाना खा सकते हैं। ये अर्थराइटिस को ठीक करने में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। ये दोनों काम करने से एक महीने के अंदर अंदर ही अर्थराइटिस की बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है, नसों में ब्लॉकेज दूर हो जाती है। दूसरा नुस्खा, इस नुस्खे के लिए जो हम चीज लेंगे वो है सौंट और लौकी। सौंट मतलब अदरक का जो पाउडर होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बॉडी के लिए सौंट एक बहुत ही कमाल की चीज है। ये जोड़ों के दर्द, नसों की ब्लॉकेज और अर्थराइटिस के लिए तो बिल्कुल रामबाण दवाई है। वैसे भी अगर आप दिन में एक आधा चम्मच सौंट का पाउडर गर्म पानी के साथ खाते हैं तो खांसी, जुकाम, बुखार, गैस, कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, भूख कम लगना, यूरिन की प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सब आपको कभी हो ही नहीं सकता है। और अब जो मैं नुस्खा बता रही हूं उसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लौकी का रस निकालना है। इसके लिए लौकी का एक मीडियम साइज का टुकड़ा ले और उसको छील कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, उसे मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ बढ़िया पीस लीजिए। ध्यान रखें लौकी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। मिक्सी में पीसने के बाद आप इसे छन्नी से छान लीजिए ताकि बढ़िया लौकी का रस निकल जाए। आपको इस तरह से एक कप लौकी का रस निकालना है। अब लौकी के रस में आपको आधा चम्मच सौंट का पाउडर अच्छी तरह से मिला लेना है और ये जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस के लिए एक जबरदस्त घरेलू नुस्खा बनकर तैयार है। आपको रोज सुबह खाली पेट से पीना है। अगर अर्थराइटिस की शुरुआत ही है तो इस नुस्खे को यूज करने से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा चाहे अर्थराइटिस की बीमारी को बहुत ज्यादा समय हो गया हो, जिस वजह से बैठकर समय गुजारना पड़ रहा हो और दर्द के कारण आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत मुश्किलें हो रही हो, तो भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर है। और बिलीव मी, लगातार यूज करते रहने पर अर्थराइटिस की बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी, है ना। जिनकी नई शुरुआत है वो तो उसमें तो बहुत जल्दी इफेक्ट दिखेगा, जिनकी बहुत पुरानी दिक्कत है उनको भी धीरे धीरे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब है ये नुस्खा पूरी बॉडी में मौजूद सभी जॉइंट्स में सभी तरीके से दर्द को एकदम ठीक कर देता है। तीसरा नुस्खा, अब अगले नुस्खे के लिए जो हम चीज लेंगे वो है अजवाइन। आयुर्वेद में अजवाइन को पेट की बीमारियों का काल बताया गया है, इसलिए हमारी दादी नानी हर तरीके के दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट में जलन वगैरह के लिए अजवाइन को ही हमें यूज करना बताती थी। अगर डेली दिन में एक बार हम आधा चम्मच अजवाइन खा के हल्का गुनगुना पानी पी ले तो ये सीने में होने वाली जलन को ठीक कर देता है, खाना पचाने की ताकत को बढ़ा देता है, खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर देता है, किडनी की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। अब मैं आपको बता रही हूं कि अर्थराइटिस या गठिया के लिए अजवाइन का यूज कैसे करना है। अजवाइन का पाउडर गठिया को जड़ से खत्म कर देता है। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए आप 100 ग्राम अजवाइन को एक छोटी कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे सेक लीजिए। सेकते सेकते जब अजवाइन की खुशबू आने लगेगी तब गैस बंद कर लीजिएगा। याद रखिएगा बहुत मंदी आंच पे इसे करना है और इसे काला नहीं करना है। इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद ये जो अजवाइन को है इसको मिक्सी में डालकर पीस लीजिए ताकि इसका बढ़िया बारीक पाउडर बन जाए। अजवाइन के पाउडर का एक चम्मच ले लीजिए और इसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिला लीजिए।
इसे आप रोज सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ खा लीजिए। इसे खाने के एक हफ्ते के अंदर ही गठिया के कारण जाम हुई नसें और हाथ पैर आपके खुलने लगेंगे, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसमें भी आपको बहुत फर्क लगेगा। एक महीने तक लगातार इसे लेते रहने से अर्थराइटिस की दवाई छूट जाएगी। लगातार इसे लेना चालू रखें और गठिया को जड़ से खत्म कर दीजिए। पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका बीपी हाई रहता हो या शरीर में गर्मी बहुत रहती हो फिर आप इस रेमेडीज को बिल्कुल यूज ना करें। अजवाइन गर्म होता है, अजवाइन की यही गर्मी और इसमें मौजूद खास तत्व बॉडी में खून का फ्लो ठीक करते हैं, जिससे खून जॉइंट्स में जाकर रुकता नहीं है। ये हमारे पाचन तंत्र को, डाइजेशन सिस्टम को भी बढ़िया करता है, साथ ही ये जोड़ों की सूजन को भी कम करता है। अब ये जो मैंने आपको तीन नुस्खे बताए हैं, आप इनमें से कोई भी नुस्खा अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं और अपने जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और ऐसे ही हमारे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।